है भैया मंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। सलमान ने ना बहुत इज्जत दिया बिग बॉस, बहुत इज्जत दिया। मेरे सीधी मेरी बात ये होती है कि मेरे को इज्जत दो इज्जत मिलेगी, बस उसने मुझे वहाँ पे इज्जत दिया वो दिल में अपने, बहुत अच्छा है। मगर ये राधे मेरे को पसंद नहीं आए, एकदम बकवास है, ज़रा भी पसंद नहीं आया, एकदम बकवास पिक्चर है। मैं मेरा कभी ना दो ढाई घंटा ऐसा मैं फुकट नहीं कहलाता पिक्चर के पीछे, पर मैं उसका इसके लिए देखा मगर एकदम बकवास है। उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी काम किया उसमें। क्या बोलेगा मैं, काहे को मेरा कोटा बोटा मूव कर अच्छा नहीं लगा, बस खत्म। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली भाव का, योगेश जी का, कि वो लोग वक्त निकाल के मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ बात रही उम्मीद की, एक्चुअली उम्मीद मैंने एक साल पहले एक सपना देखा था कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस, एक कंपनी स्टार्ट करनी है। और जब मैं ये सोच रही थी उसी वक्त सुशांत सिंह का डेथ वाला केस निकला, तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए नाम सोच रही थी कि अगर कंपनी खोलूँगी तो क्या नाम ऐसा हो कि जो बहुत नॉर्मल लगे हर इंसान के लिए, वो एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए। उसी वक्त मेरे दिमाग में उम्मीद आया, तो मुझे लगा कि उम्मीद से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसी तरीके से प्लानिंग हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना जब आप ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हो तो चीज़ें डिले होती रहती है। तो अचानक से एक, आप बोल सकते हो, एक मौका आया कि चलो यार अभी ईद का भी टाइम था कि कुछ जल्दी जल्दी हमें करना है, तो बस प्लानिंग हुई और छोटा मोटा जो भी आपने देखा एक सेटअप हम लोग ने बना लिया और बस उम्मीद की किरण को शुरुआत कर दी हमने। दर्शकों को बताइए, जैसा आपने कहा सुशांत का जब ये घटना हुआ था, उसके बाद आपने शुरुआत करने की सोची, हाँ, ऐसी क्या वजह रही? नहीं, ऐसी नहीं है, मुझे प्रोडक्शन हाउस शुरू करना पहले से था, बट मैं सोची थी कि ऐसा क्या नाम रखूँ जो हर एक इंसान उस चीज़ से रिलेट कर पाए, भले वो आम आदमी हो, कोई भी हो। और मैं चाहती हूँ कि उम्मीद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें ना कोई नेपोटिज्म हो, ना कोई स्टारकिड वाली चीज़ हो, कोई भी लॉबी वाली चीज़ ना हो। उम्मीद हर एक इंसान के लिए एक बराबर का प्लेटफॉर्म हो, मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ। भाव से चाहूँगा कि आपको तो बताइए, आप खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्सा हो, तो एक औरत शुरुआत करनी है, प्रोडक्शन हाउस का प्रोड्यूसर बना आसान नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे नगमा जी के बारे में आप? अभी पहला तो इनको बहुत सारा ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आज मौका मिला है आगे बढ़ने का। और जितने भी ये जो प्रोडक्शन हाउस जो चल रहे, उन्होंने काफ़ी ऐसे वर्करों के पेट पे लाद दिया है, क्योंकि खुद का प्रोडक्शन इन्होंने खोला और बाकी जितने भी जो पुराने थे जो वर्कर काम करते थे उनके पेट पे लात मारा इन्होंने। जैसा चल रहा है ना, मेरे चाचा को लेगा, मेरे भतीजे को लेगा, ये सबको बंद करवाना है। पर अब ये जो नए है ना, डायरेक्टर हो गया, वापिस ये जितने भी कलाकार है, जो आज ना गली कुची में जाके ढूंढो उनको, अच्छे से अच्छे कलाकार है। तो जितने जो पुराने हो गए ना, जिनको आप लोग सुपरस्टार बोलते हैं, इनको भगाने का है और ये नए लोगों को चांस देने का है, क्योंकि ना ये फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बने, बिल्कुल समझा। तो मेरा पूरा सपोर्ट है इन लोगों को। भाऊ पहले भी किसके दम पे नहीं था ना, किसके दम पे आज भी है, भाऊ खुद के जिगर पे बना है, समझा। और मैं किसी का वो बोलते ना, वो झेलना अपने को नहीं आता है, जो करूँगा खुद के दम पे करूँगा और अब तक करते आया हूँ, समझा। आपने देखा होगा बड़े बड़े ये फिल्म स्टारों की बजा के रखा है मैंने, उनके फिल्म नहीं लगने दे रहा हूँ, इतना करने के बावजूद भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो ये करते रहूँगा और आवाज उठाते रहूँगा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वक्त नहीं हुआ इंडस्ट्री में, मैं अभी भी अपने आप को न्यू कमर ही मानती हूँ, स्ट्रगलर मानती हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है प्रैक्टिकली, नेपोटिज्म हो, लॉबी सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आज मैं, अगर आप टैलेंट की बात करोगे ना, इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है,
एक्सपोजर नहीं, स्कोप नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने वालों को ही खींचता है। तो ये उम्मीद जो है, और अगर आप सब लोग मेरे साथ रहे, आप सबको खुद भी दिखेगा, उम्मीद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, हम मिलके बनाएंगे, जिसमें मैंने बोला ना नेपोटिज्म होगा, ना लॉबी सिस्टम होगा, कुछ नहीं। हर एक आम इंसान को चांस मिलेगा उम्मीद के साथ काम करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और उम्मीद हम आम आदमियों का उम्मीद है, और उम्मीद का मतलब ही है रे ऑफ होप, आशा की किरण। तो उम्मीद हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक आशा की किरण लेके आए, यही मैं आज के दिन मतलब बोलते ना प्रण लेती हूँ, या एक ओट टाइप होएगा, सब अच्छा होएगा। जैसे अभी वो कार्तिक आर्या, हाँ, उसको वो धर्म कौन सा प्रोडक्शन है, वो धर्म प्रोडक्शन, हाँ, में उसे ये कर दिया है, बायकॉट कर दिया उसको। इनके बाप का है क्या इंडस्ट्री, हाँ, इनके बाप का इंडस्ट्री है क्या? वापस उसको क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा किसी को बनाना चाहते है क्या? नहीं होएगा। अभी अभी इनके पिछवाड़े में झाड़ू लाल के मोर बनाएंगे, हाँ, अभी नहीं होएगा। अभी इन लोग को सबको जो नए नए ना उनको चांस मिलना मांगता है, बहुत जरूरी है। वो हाफ बिरयानी है ना वो, उसका भी पिक्चर नहीं लगने देगा। मैं योगेश, मैं आपसे हम चाहूंगा कि आप सपोर्ट करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो कितना नगमा जी को सपोर्ट करने वाले आगे चलके क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नगमा जी को कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, और ऐसे माहौल में इतनी हिम्मत कर रही है इसलिए हमारा साथ उनके साथ है। और इंडिया में जो 8000 मूवी का काम ब्राइट ने किया है, तो छोटे में छोटे प्रोडक्शन हाउस से लेकर बड़े में बड़े वर्ल्ड के नंबर वन प्रोडक्शन हाउस के काम किए हैं, और मेरा छोटे हर लोगों के साथ साथ है। सभी सुपरस्टार की पहली फिल्म मैंने की है, और लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, तो नगमा जी के लिए भी लकी साबित हो, और उनका भी प्रोडक्शन हाउस सुपर डुपर हिट हो गए, और उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो गए, ऐसे में दिल से शुभ दुआ करता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ कंटेंट के बारे में बताइए कि कौन सा मीडियम होगा आपका? आजकल ओटीटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, टेलीविजन तो पहले से बड़ा था, तो कौन सा मीडियम होगा जिस पे आप अपना कंटेंट देंगे, और क्या कंटेंट का आधार क्या रहेगा? नहीं, मैं बताऊँ आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वेब सीरीज करना है ओटीटी के लिए। वो म्यूजिक एल्बम भी हो सकता है, वेब सीरीज भी हो सकता है, शॉर्ट फिल्म्स भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है गुड कॉज के लिए, या फिर अगर इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो हो सकता है हम पिक्चर भी बनाए। और जहाँ बात रही कंटेंट की, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कंटेंट लोगों तक लाए जो चीज़ देख के लोग दो अच्छी बातें सीखे। ऐसे कंटेंट लोगों को नहीं दिखाना है कि पूरी पिक्चर देखने के बाद भी उसका कोई मैसेज ही ना निकले, बस टाइम पास के लिए देख लिया। तो हमें टाइम पास के लिए चीज़ें नहीं करनी है। अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं उम्मीद को लेके, तो कुछ अच्छा हो, अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचे, भले वो ह्यूमैनिटी हो किसी भी अच्छे कॉज को लेके, ताकि हमारी पिक्चर, हमारा कंटेंट लोग देख के दो अच्छी बातें अगर सीखे ना, तो हमें लगेगा कि उम्मीद ने कुछ अच्छा कर दिया। मैं भाव को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भाव इज़ अ सेल्फ मेड मैन, ना कोई नेपोटिज्म, ना कोई लॉबी, ना किसी के चाचा का बेटा, मामा का कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, खुद के दम पे किया। और आज आप खुद देखिए ना, कौन भाव को गिरा सकता है? पीठ पीछे तो हज़ारों लोग बोलते हैं, कोई सामने आके इस इंसान को हरा के दिखाए। सो और मैं जैसे कि बीइंग अ फीमेल, तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री कहा जाता है, मैं निकली हूँ एक रास्ते पे जिसमें मुझे सबका साथ ज़रूर चाहिए, सबका आशीर्वाद ज़रूर चाहिए, भाव हो, योगेश जी हो, सबका। और उम्मीद करती हूँ कि हम जैसे लोग, हम सब मिल के इंडस्ट्री में कुछ अच्छा चेंज ला पाए। और लोग, जो लोगों को लगता है ना कि यार नहीं यार बॉलीवुड हमारे लिए नहीं है, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग, नहीं, बॉलीवुड सबके लिए है, टैलेंट सबके लिए है। टैलेंट का ना कोई धर्म है, टैलेंट की ना कोई रेसिज्म है, ना कलर है, कुछ नहीं है। टैलेंट अपने आप में एक इंसानियत है। तो हम टैलेंट, हमारे लिए टैलेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं टैलेंट की पूजा करती हूँ। तो जहाँ टैलेंट है वहाँ उम्मीद इज ऑलवेज ओपन। ये भी कहना, नेपोटिज्म की बात की, आपको पता है कुछ साल पहले मीटू हुआ था, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया होता है लड़कियों के साथ, उसको लेकर, तो आप एक नारी हैं, स्त्री हैं, कितना सुरक्षित रहेंगी? कोई आर्टिस्ट, खासकर फीमेल आर्टिस्ट की बात करूँ, आएंगी और उनको काम मिले? नहीं, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको, मैं बॉलीवुड के बारे में नहीं बोलूँगी, किसी भी इंडस्ट्री में फीमेल के लिए दिक्कतें आती है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो दौर गया जहाँ पे औरतें डर के रहती थी, आवाज उठाने के लिए डरती थी। एकता कबूतर नहीं है जो इससे फीमेल लोग डरेगा, समझा? तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा ना, जब आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं ना, जैसे आज भाव है, योगेश जी है, सब परिवार फ्रेंड्स लोग हैं, तो फिर आपको ऑलरेडी एक मोटिवेशन मिल ही जाता है। और इनकी स्टोरी खुद हमारे लिए एक मोटिवेशन स्टोरी है, सो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एकता कबूतर बोला मैं। अच्छा, नहीं, मैं बोल ये कह रहा हूँ कि आप फीमेल हैं, कबूतर बोल उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एकता कपूर काफी कबूतर
मैं फिर कंट्रोवर्सी करेंगे तुम लोग, मैं एकटा कबूतर बोला हूँ भाई, हाँ उसकी भी बचाएगा। कुछ नहीं, वो उससे लड़कियां डरती है मालूम है तुम्हारे को, एकटा कबूतर से वो पैसा देती नहीं। हाँ। इतने बेचारे प्रोडक्शन में उनको पैसा नहीं दिया उसने, समझा? तो ऐसे कबूतर विबूतर अपने को बगले बिगले नहीं चाहिए इधर। बिल्कुल। और बिग बॉस के बाद आपने दो गाने भी किए थे, कुछ अभी कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना? अभी दो वेब सीरीज करके आया मैं, समझा? अभी और दो वेब सीरीज कर रहा हूँ। अब बहुत जल्दी हम साथ में भी बिल्कुल करेंगे ना, जुड़े हैं तो भाई अभी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे। एक नई उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बिल्कुल, इसी बात पे ताली हो जाए। मुझे एक्चुअली नगमा का फोन आया था, बोला कि मैं ऐसे एक प्लान कर रही हूँ कि एक प्रोडक्शन हाउस खोलना है, तो और इसका मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि न्यू टैलेंट को चांस देना है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई प्रोडक्शन हाउस ये मकसद लेके चलता है कि न्यू टैलेंट को चांस मिले और जितने लोगों को नए नए टैलेंटेड लोगों को चांस मिले, तो मैंने बोला मैं तो बहुत साथ दूंगा इस मामले में। तो इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट भी हमारा हुआ है, शूट हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो एल्बम है जो बहुत जल्दी आने वाला है। कितना मज़ा सॉन्ग का नाम है, वो मैंने गाया है, म्यूज़िक दिया है और इसमें नगमा फीचरिंग है और भी राहुल भाई है और साउथ के एक्टर है बहुत अच्छे, धर्मा। तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ है, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है और बहुत सारे प्लान्स पाइपलाइन में हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं टोटली नगमा के साथ हूँ, जब भी ये चाहे जिस नगमा को जब भी ज़रूरत पड़े मेरी कि चलो साथ में काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली साथ में, और मुझे बहुत खुशी है कि नए नए लोग साथ में जुड़ेंगे और अच्छे टैलेंट साथ में जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अल्ताफ जी का एक गाना है, आई गेस आप सबने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट है, तो अगर आप एक लाइन हम सब के लिए वो गाना गुनगुना देंगे तो थोड़ा माहौल वो हो जाएगा, थोड़ा सा। हाँ, एक गाना जो आपका सुपरहिट गाना, नैनो की बात। नैनो की तो बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है, तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। ये सॉन्ग था, रिसेंटली अभी एक मूवी भी की है मैंने, BA पास 3, उसमें सारे सॉन्ग्स मेरे हैं और Z5 की एक मूवी आई थी साइलेंस, मनोज वाजपेयी साथ, उसमें भी मेरा म्यूजिक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन साथ में भी नगमा के साथ बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस भी किए, तो बहुत जल्दी भाव के साथ मिलके भी बहुत एक करना है, प्लान है, हम डिस्कस भी करेंगे, तो बहुत कुछ ऐसे करने हैं, तो बस इंशाल्लाह सब चीज़ें हो जाएगी। राहुल आप बताइए क्या करने जाएंगे? न्यू स्टार्टअप के लिए एक्चुअली मेरा सीन ऐसा है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मेरे बहुत एक्टिंग का शौक था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आने का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे इनसे फ्रेंडशिप हुई मेरी इवेंट के थ्रू, मैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया था इवेंट में, टीचर इवेंट में, तो मेरे से फ्रेंडशिप हुई। इन्होंने मेरा काम देखा, थोड़ी एक्टिंग देखी मेरी इन्होंने, तो उन्होंने एक मूवी में काम दिया, सॉन्ग में काम दिया सॉरी। तो धीरे 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 फ्रेंडशिप होते होते फिर इन्होंने ऐसे ही प्लान, जिस तरह से अल्ताफ भाई को उन्होंने फ़ोन करके बताया, उस तरह से आइडिया मुझे ही बताया इन्होंने। तो फिर हमने फिर ये स्टार्ट किया, इसका उम्मीद प्रोडक्शन हाउस का स्टार्टअप किया। तो एज अ MD मैं इसमें जुड़ा हूँ, इस उम्मीद प्रोडक्शन में। बस कि मैं चुनौतियाँ ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या है, सब नीचे चल गया। और हमने उम्मीद को लॉन्च करने का टाइम यही रखा, जब सब सो गए तो हम जग गए, और मुझे लगा कि जब सब सो रहे हैं ये सबसे अच्छा मौका है, अपना दिमाग को चलाओ, उनको सोते रहने दो, हमें आगे बढ़ना है। और हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी हर उन लोगों को जिसने इतने दिनों में आज का दिन पॉसिबल होने में साथ दिया, उन सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा। निखिल अवस्थी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर भी रह चुके हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे सीरियल्स उन्होंने कलर्स के लिए डायरेक्ट किए हैं, दोस्त भी है, इन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। और सारे दोस्तों को भी थैंक यू, और सब माता पिताओं को भी थैंक यू जिनके आशीर्वाद के बिना बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम सब है आम इंसान, तो आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे। और एक आपके न्यूज चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता है, आज जितने भी ये शूटिंग बंद है उसके बाद जो वर्कर या हर कोई जो घर पे बैठा है ना, उनके खाने के वांदे हो गए। ये जितने बड़े बड़े है ना अपने महलों में बैठे, हाँ, जिन्होंने जिनको इन्होंने बनाया,
आज उनको उनको राशन तक कोई नहीं पूछ रहा है, समझा? तो इन लोग जा रहे हैं मालवीज, इन लोग जा रहे हैं दुबई, इधर घूमने जा रहे हैं, मगर वो प्रोडक्शन हाउस में जो काम करते हैं ना, उनके हाथ के नीचे कोई नहीं देख रहा, उनका खाने का वांदा है। सही बात है। महीने 2000 लोगों को महीने पूछा है राशन, समझा? इन लोग किधर है? तुम लोग बोलता है तुम महानायक किसान आंदोलन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा महानायक को, महानायक क्या बोलता है? जिनके औकात नहीं वो मुझे सवाल करते हैं। क्या सवाल किया रे? औकात निकालेगा? 25-50 रुपया टिकट निकाल के जब तुम्हारे को तुम्हारा पिक्चर देखा इसके लिए तुम महानायक बना, तुम उनकी उनकी औकात निकालेगा क्या? हाँ लोगों की, इनको चर्बी आया है इंडस्ट्री में सबको, इनको कदर नहीं है लोगों की, इनको कदर नहीं अपने फैंस की। क्या तुम लोग मैसेज देता है लोगों तक? हाँ वो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाया था, क्या मैसेज दिया उसने वेब सीरीज में? कोई नहीं बोलता है उसके बारे में। फट्टी है क्या बोलने को? क्यों फट्टी है? मेरे काफ़ी ना इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, मैं उनको बोला तुम लोग बोलो ना, बोलता है भाऊ हम अगर बोलेगा तो हमारे को काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, या ऐसे लोग है। सही बात है। ऐसे लोगों के बारे में तुम लोग भी बोलो, जाके पूछो इनके घर के बाहर कि क्या कर रहे तुम लोग, ये समझा? सिर्फ सवाल पूछने से अच्छा ना उनको भी सवाल पूछो। इनको छींक आती है ना तो पहुंच जाते, मगर वो देखो प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग जो आज भूखे मर रहे हैं ना, उनके भी घर पे जाके पूछो कितने लोगों का तो मेहनत का पगार नहीं दिया अभी तक इन लोग ने। बिल्कुल सही, ऐसा है तो जाके उधर भी पूछो। फिर के बारे में न्यू उम्मीद एंटरटेनमेंट शुरू किया है आज, और आपके जो बेटे हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो सबसे पहले मैं नगमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चालू करने का उम्मीद, और बाकी राहुल के बारे में तो बचपन से उसको ये सब चीज़ में आने का शौक था, लेकिन हमने थोड़ा हम लोग का कैसा थोड़ा सा अलग थोड़ा सोचते हैं, हम लोग क्या बहुत गांव साइड के हैं तो थोड़ा उसके बारे में कम सोचते हैं, लेकिन अपने को लगा कि नहीं ये अगर इसका इसमें इंटरेस्ट है तो करना चाहिए ऐसा। तो हमको तो बताए हैं बाप, पहले से बताया है कि मतलब हमको इन्होंने हम मतलब मम्मी हमको सपोर्ट कर, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी खुशी हुआ मतलब कि अच्छा है, और बचपन से इसको मतलब शौक था इस चीज़ का, तो आज इसको ऐसे देख के खुशी हो रही है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी मैं कि ये स्टार्ट करने के लिए, फिर सेकेंड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिली है इनको नगमा जी की तरफ से, सो आई होप कि मतलब ये इनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो एकदम। राहुल जी आप बताइए क्या करना है कि नगमा जी सपोर्ट कर रही हैं आपको और आज खास दिन उनके लिए भी आपके लिए भी। स्टार्टिंग में मेरे को इतना लगा नहीं था कि इनका सपोर्ट मेरे लिए इतना ज़्यादा होगा, इनका एफर्ट्स मेरे लिए इतना ज़्यादा होगा, बट मेरे काम को देखते हुए इनका सपोर्ट मेरे लिए इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब इन्होंने डायरेक्ट मुझे एक उम्मीद का पार्ट बना दिया है, ऐसे डायरेक्ट एमडी बना दिया, मैंने डायरेक्टर बना दिया डायरेक्ट इन्होंने मुझे, तो बस इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब आज ये स्टेज पे हम खड़े हैं ऐसा। कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छा है इसको तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाए हम। एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं और लोगों को नहीं जानती, बहुत मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सीनियर लोग भी हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा उम्मीद एक बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है, लोग उम्मीद के बारे में सोचे भी तो लगना चाहिए यार ये तो अपना ही है, अपने जैसा ही है, भले कहीं का मतलब लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि अरे यार इतना बड़ा प्रोडक्शन है हमारे लिए बहुत दूर की बात है, नहीं उम्मीद सबके लिए एक आम प्रोडक्शन हाउस है। और राहुल के इवेंट में 2 साल मैं एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट गई थी, तो मैंने वहाँ पे उनका मैनेजमेंट देखा था और एक आध दो भी दोस्त थे हमारे, तो मैंने उनको बोला था कि मैं अगर फ्यूचर में कभी प्रोडक्शन हाउस खोलती हूँ तो आप जैसे लोगों की मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो इतने मेहनती हो, तो राहुल में मुझे वो चीज़ देखी मुझे, और राहुल सच में बहुत ज़्यादा मेहनती है, जैसे कि अभी उम्मीद के टाइम पे भी लॉकडाउन था और वो रहते हैं भिवंडी साइड, तो डेली उनका जो आना जाना वो सारी एफर्ट, तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट की वजह से वो बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उसको वो शब्द नहीं आ रहा है
मतलब चीज़ें इजी हो गई मेरे लिए। और जैसे कि मेरी मम्मी बहुत दूर है तो आज मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ। बट अंकल आंटी यहाँ पे आए तो ऐसा लग रहा है कि चलो यार किसी बड़े का आशीर्वाद है, साया है। अदरवाइज़ होता ना किसी भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, जब तक वहाँ पे माँ बाप या बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहता है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो ये भी एक खुशकिस्मती है कि सबके आशीर्वाद के साथ हम लोग उम्मीद को आगे लेके जा रहे हैं। और राहुल, मैं और हमारी पूरी टीम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि उम्मीद को हम बहुत आगे तक लेके जाए। और हर इंसान के ज़िंदगी में उम्मीद का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। हाँ, और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मैं इनके इवेंट पे गई थी 2 साल सेलिब्रिटी गेस्ट बन के, वहाँ पे एक बहुत अच्छा दोस्त था अभिषेक केडिया बोल के, तो सब लोगों के बीच में ही ये क्या बोलते हैं प्लानिंग हुई थी कि मुझे राहुल और अभिषेक जैसे किसी यू नो जज्बेदार दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले अभिषेक केडिया हमारे बीच नहीं रहे, वो चल बसे, वो उनका डेथ हो गया। तो आप वो भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक दोस्त कम हो गया, लेकिन अभी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है। वो चेयर की जिम्मेदारी हो या फिर अभी अभिषेक या राहुल को दोनों का जिम्मेदारी पूरा करना है और उम्मीद के लिए भी बहुत मेहनत करना है। ये इनिशियल स्टेज है हमारा, तो हर चीज़ एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता है। तो हम सबको बोलते ना दिन रात एक करके, अभी बस एक ही चीज़ हमें ध्यान पे रखना है कि कुछ भी करके हमें उम्मीद को आगे लेके जाना है और हर आम इंसान के मुंह में, दिल में उम्मीद की किरण जगाना है। तो यही एफर्ट रहेगी। और सबको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कि सब लोग यहाँ पे आए और हमारा इतना साथ दिया, एंड थैंक यू सो मच। भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।